गुण के ग्राहक सहस्र नर बिन गुण लहाय ना कोई। बोलने का भी गुण अच्छा होना चाहिए। किसी राजा के राज दरबार के सामने पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ की डाल पर एक कोयल आकर बैठ गई, और कोयल में मीठा बोलने का गुण होता है। जब कोयल बोली तो राजा बड़ा खुश हुआ, बोले ऐसी कौन चिड़िया है इतना मीठा बोलती, इस चिड़िया को ए मंत्री, इस चिड़िया को जाल में फंसाओ और इसको पिंजड़े में रखो, इसकी रोज मीठी बोली सुनूंगा, ये जो खाएगी वो खिलाऊंगा, इसको रोज देखूंगा, दर्शन करूंगा इसका। तो मंत्री ने आदेश दिया जाल फेंको। जाल लाने में फेंकने में थोड़ा टाइम लगा। जब फेंका चिड़िया फंसी। कौन चिड़िया फंसी? कोयल तो बोलकर उड़ गई, लेकिन उसी डाल पर उसी जगह पर उल्लू आकर बैठ गया। उल्लू फंस गया। उल्लू ही फंसता है, गुणवान नहीं फंसता है। जितने सब फंसे हैं उल्लू ही फंसे। उल्लू फंस गया जाल में। अब उल्लू को पिंजड़े में रखा गया, सोने के पिंजड़े में। अब राजा उल्लू का दर्शन कर रहा था। राजा को क्या पता यही चिड़िया थी, वो सोचता यही थी। तो राजा कहता है, हे चिड़िया वही बोली बोलो जो दोपहर में बोला था। तो उल्लू क्या करता है, उल्लू रोता है, दुखी होता है और टेंशन में है, और कहता है कोयल को क्या बोल रहा है, अपना बोली बनई मा गई, हमका डारी फंद मा गई। कोयल से कहता है अपना बोल के और उड़ी गई, बनमा चली गई, और हमका फंद में डारी गई, हम हुआ बैठ गए फंस गए। तो उल्लू कहता है, कहो तो खिट पिट करी, और कहो तो हगी हगी पिजड़ा भरी। कला हमका तो कोयल जैसा बोलना आवत नहीं, कहो तो खिटपिट करी। उल्लू खिटपिट करता है, ऐसे खिटपिट करूं, और कहो तो हगी हगी पिंजड़ा भरी, बाकी बोल ना पाई। राजा बड़ा दुखी हुआ कि ये चिड़िया बोलती क्यों नहीं वैसा। दूसरा मंत्री आया, बोला राजन वो जो बोली थी चिड़िया वो कोयल थी। बोली ये उल्लू है। बोली उल्लू को सोने पिंजड़े में कहीं रखा जाता है, भगाओ इसको, बेवकूफ कहीं का इसमें बैठा है। पिंजड़ा खोल के टांग पकड़ के खींच कर फेंक दिया। उल्लू लोगों की टांग पकड़ कर खींच कर फेंका जाता है, इसलिए उल्लू पना छोड़ दीजिए, याद रखना कोयल जैसा गुण पैदा कर दीजिए। कोयल कौवा के पास गई और कौवा से कोयल ने पूछा, चाचा जी अब लोगों की घरों की छत की मुंडेरी पर तुम क्यों नहीं बैठते हो? तो कौवा बोला, बेटी लोगों के घर की छत की मुंडेरी पर इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि सबके घर में बड़े बड़े कौवा बैठे हुए हैं। बड़े 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 कौवा? बोले हाँ, सबके घरों में सुबह से लेकर शाम तक काव 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 मचा रहता है। ये आदमी नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, सब कौवा कौविन हैं, ये सब काव काव करते रहते हैं, इसलिए हम छोटे कौवा की यहाँ नहीं बिसाते, मैं दूर बैठता। कितने घरों में काव काव चलता रहता है, शांति ही नहीं, जो बोलता है कौवा आवाज। वाणी को सुधारिए, स्वभाव को सुधारिए, चरित्र को सुधारिए, कर्म को सुधारिए, और याद रखना अपने व्यवहार को भी सुधारिए, दृष्टि को सुधारिए, दुनिया कैसे देखना है दुनिया को ये भी समझिए। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किस्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, किस्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। केवल नजर बदलना है। एक गांव में मैं गया था, त्रिभुवना गांव, राजीव गुप्ता ने सत्संग कराया, सुशील गुप्ता अगले साल कराएंगे।
तो राजीव गुप्ता का जो छोटा भाई है वो शादी नहीं किया, कुंवारा ऐसे रहता है। तो मैंने उससे पूछा, तुम शादी नहीं किए हो, तुम्हारा मन कोई तरफ आकर्षित नहीं होता है? बोला, हमारा मन आकर्षित नहीं होता गुरुजी। तो क्यों नहीं होता है? बोले, हमको स्त्रियों में माँ और बहन का दर्शन होता है, हम उसमें अपनी दृष्टि बदल चुके। रहते तो अभी घर ही में हैं, लेकिन हमारी दृष्टि शुद्ध है तो हमारी ये सृष्टि भी शुद्ध है। इसलिए अपनी नजरें बदलो, और जिसकी नजरें सुधर गई उसके नजारे सुधर जाते हैं, जिसकी नजरें बिगड़ गई उसके नजारे बिगड़ जाते हैं। और जिसकी नजरें, याद रखना, भक्ति में टिकी हुई है, उसकी जिंदगी का नजारा भक्ति में डूब जाता है। तो मैं बता रहा था कि दो दिन मेला लगता है, एक तो शादी में लगता है, दूसरा कब लगता है? दूसरा मेला जब तुम मर जाते हो ना, तुम्हें दफन करने के लिए लोग आते हैं, तब मेला लगता है। ये दो दिन मेला लगता है, शादी में और मरने के बाद। तो बीच के और टाइम में क्या लगता है? बीच में बहुत लंबा टाइम बचा, उसमें क्या लगता है? शादी में मेला और मृत्यु के समय मेला, तो बीच में क्या? बीच में झमेला, बीच में झमेला लगता है, सब झंझट, टेंशन, उलझन, असमंजस, अशांति, कले कलेश, दुख, पीड़ा, रोना धोना, ये सब झमेला। इसलिए कभी क्या कह रहा है, पत्नी भी हक निभाएगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग रिश्तेदार चलेंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान। जीवन में हर इंसान को भक्ति करना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही मुक्ति की चाबी। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वैभवेत, गुरु भक्त रति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षी। जो लोग मोक्ष की इच्छा रखते हैं उन्हें गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए, भक्ति से मुक्ति होती है। शिवरी को भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति सुनाई है। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही।